वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं जून 2020 का क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर जो कि सॉल्व होने वाला है एंड ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल नेटवर्किंग है जो कि बी और एम uh, में ये सब्जेक्ट है आपके जिसका कोड है बी सी सो आज हम इस वीडियो में जून टू का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पेपर होने वाला है आपके हंड्रेड मार्क्स के जिसमें से फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होगा अगेन जो रेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपके फाइव फोर uh, क्वेश्चंस होंगे वन को छोड़ने के बाद उस फोर में से आपको तीन क्वेश्चंस बनाने होंगे और एक छोड़ देना होगा ठीक है आप आपकी मर्जी है कि आप क्या छोड़ते दें हाँ लेकिन ये नहीं है कि आपके जैसे टू क्वेश्चन टू नंबर क्वेश्चन में आपके तीन चार क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें से दो बनाया मैंने या दो छोड़ दिया ऐसे नहीं वो टू नंबर क्वेश्चन आपको कवर करने हैं ओके सो लेट इट स्टार्टेड फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन का डिफरेंस Uh, करने के लिए कंपेयर करने के लिए ठीक है तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन गिव टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस इसके अः uh, क्या फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन क्या होता है Uh, और इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं एडवांटेज क्या होता है कि आपके जो भी आपका जो टॉपिक दिया रहता है उसके बारे में अच्छा ही चीज़ को बतानी होती है ठीक है लाइक फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन इज अ टेक्निक ऑफ अ प्रोसेस इनकोडिंग इंफॉर्मेशन और पार्टिकुलर सिग्नल बाई वेरीफाइंग इन द कैरियर वेव वेब इन अकॉर्डेंस विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल तो ठीक है तो इस तरीके से आपके सोल्यूशन आप लोग सोल्यूशन देख लो क्योंकि अगर मैं समझाने बैठे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है पी डी एफ के लिए आप नीचे कमेंट करना मैं सबको पर्सनली सेंड करूँगी बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है ना कि पी डी एफ मेरे uh, दूसरे uh, बंदे यूज कर जाते हैं मेरे पी डी एफ अपने नाम से तो मैं वो नहीं होने दूंगी ठीक है सो वॉट इज अ मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग इंपॉर्टेंस क्या है multiplexing का, ठीक है, तो ये रहा आपके सॉल्यूशंस उसके बाद है बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी आई ठीक है तो ओएसआई मॉडल क्या है ना कि ओएसआई मॉडल एक ओपन सोर्स Uh, hai, है ठीक है जिसमें आपको uh, सारी सारी चीजें बताई जाती हैं उस पर टीसीपी और आईपी में uh, अंतर बताना है ठीक है तो आप ये बता देना उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ स्विचेस एज इंटरनेट स्विचेस सो कंपेयर आंसर्स उसके बाद मैंने कंपेयर कर दिया लेयर टू और लेयर थ्री के स्विचेस को ठीक है उसके बाद है कि आपको सर्किट स्विचिंग और विचुअल स्विचिंग क्या है ठीक है तो जैसे कि आपको पता है कि आप देख सकते हैं डेटा स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग शायद उसको सेम कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद जी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ ब्लॉक चिपर एंड गिव एडवांटेज एंड हियर

सेकंड सेमेस्टर के असेंबली लैंग्वेज बुक में भी ये क्वेश्चन था सो so, याद होना चाहिए आप लोग को ऐसे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग को ईजी हो जाए टू का भी क्वेश्चन है कि डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में जो होता है उसको करने के लिए देखो मॉड्यूलेशन दो प्रकार के होते हैं एनोलॉग और डिजिटल ठीक है एनालॉग के एनालॉग भी दो प्रकार का होता है जिसमें आपको आता है अटैम्प्ट एंड एंजल और एंजल के दो पार्ट होते हैं जिसमें फ्रिक्वेंसी और फेज आता है ठीक है मॉड्युलेशन नॉट अंग एंड डिजिटल मॉडुलेशन के टेक्निक्स में ये तीन आते हैं ठीक है तो इसको भी आपको बता देना है बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का नंबर थ्री बहुत इजी इजी कंपेयर मैंने कह रहा है कि आप लोग को याद हो जाए उसके बाद जिसमें ब्लॉक डायग्राम है एम एस सी पी का उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन व्हाट इज एड रीज और प्रोटोकॉल ए आर पी जिसको कहा जाता है फेमस क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जा रहा है आपके पेपर uh, में रहा उसका डायग्राम उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस क्या क्या है तो फ्रेम ट्रैफिक है फ्रेम फ्रेम है 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 एरर चेकिंग ठीक है एरर चेकिंग देख लेना उसके बाद आपका लॉजिकल लिंक लेयर है एम है एमएससी है हाँ, ये, 10th and tea, ये बहुत बार पूछा गया तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना ये आपका आंसर रहा ठीक है और भी आ, बाकी सब्जेक्ट के आपके वीडियोस के लिए आप प्लीज नीचे कमेंट करेंगे कि किस सब्जेक्ट के आपको वीडियोस चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व चाहिए या कोई चैप्टर्स है जो बचा रह गया एक्चुअली ये ये जो मेरा है आपका जो सब्जेक्ट है उसका मैंने टोटल ब्लॉग कंप्लीट करवाया है ए टू जेड जिसमें इसमें चार ब्लॉग है मैंने चारों uh, करवाए हुए हैं विद हेल्प ऑफ विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जैसे सी आर सी आपके हैं आपके तो वो भी मैंने बता रखा है जैसे एल्गुरिदम uh, है वो भी मैंने बता रखा है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी वीडियो चाहिए प्लीज नीचे कमेंट करो और मेरे को बताओ कि किस सब्जेक्ट के आपके वीडियो चाहिए ठीक है